नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको विष्णु धर्मोत्तर पुराण के विषय में बताऊँगा। लास्ट में आपको मैंने विष्णु पुराण के विषय में बताया, अभी उसी का उत्तर भाग है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इसके विषय में मैं आपको संक्षिप्त बातें बताऊँगा कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या वर्णन हमको मिलता है, क्यों उसको विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहा गया, और बहुत संक्षिप्त जानकारियाँ जो मेरे को मिल पाई हैं वो मैं आप तक आज पहुँचाऊँगा। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। विष्णु धर्मोत्तर पुराण से नाम से स्पष्ट है कि धर्मोत्तर यानी विष्णु के बाद जो उत्तर भाग है, विष्णु पुराण का जो उत्तर भाग है, ये धर्मोत्तर नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन कई बातें ऐसी हैं कि इसको उपपुराण की संज्ञा में भी इसको कहा गया कि उपपुराण में भी इसका नाम आता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। और रिसर्चकारों ने ये भी रिसर्च निकाले कि विष्णु पुराण जो था पहले, उसमें बताते हैं कि 23,000 श्लोकों का समावेश किया गया है। लेकिन अभी जो उनको विष्णु पुराण मिलती है जो गीता प्रेस ने दी, उसमें कहा कि भाई 6,000 श्लोकों का वो पुराण है, बाकी के 17,000 श्लोक जो हैं वो हमको अपने इस विष्णु धर्मोत्तर पुराण में हमको मिलते हैं। अब चूंकि नाम से है कि धर्म, धर्म शब्द जो यहाँ आ रहा है तो धर्म से यहाँ तात्पर्य है कि अगर मैंने आपको याद करो कि जब अपन ने एक शिव धर्म पुराण के विषय में आपको बताया था, तो उसमें एक रिसर्च आती थी, इसमें आप चाहो डिस्प्ले पर देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ था, सच में लिखा हुआ है जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पूर्व मध्य काल में संपादित धर्म पुराण और धर्मोत्तर पुराण का उल्लेख एक साथ मिलता है। इससे यह प्रतीत होता है कि 18 उपपुराणों के अंतर्गत ही उक्त दोनों पुराण धाराओं के परिगण स्वीकार हो चुका है। पुराणकार ने धर्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, शिव धर्म पुराण, विष्णु धर्म पुराण और ब्रह्म धर्म पुराण का स्पष्ट उल्लेख पुराणकारों में मिलता है। इससे संबंधित एक तालिका भी है, तालिका भी देख लीजिए, विष्णु पुराण, विष्णु धर्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ऐसे ही शिव पुराण, शिव धर्म पुराण, शिव धर्मोत्तर पुराण, सौर पुराण, सौर धर्म पुराण, सौर धर्मोत्तर पुराण। तो ये धर्मोत्तर पुराणों का जो क्रम चला रहा है ये वहाँ से लिया गया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो और आगे आप डीपली पढ़ते जाएंगे तो चीज़ें समझ में आती जाएंगी। विष्णु पुराण आपको जो दिखाया, मैंने आपको बताया था इसके विषय में, जो पराशर मुनि द्वारा बोला गया और उसको फिर पराशर जी ने बोला है, पूरा मैत्री जी से जो संवाद उनका हुआ है वो पूरा पुराण उस विष्णु पुराण में दिया गया। लेकिन विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है, इसमें वज्र और मार्कंडेय उवाच यानी मार्कंडेय ऋषि द्वारा ये बोला गया है, ऐसा बहुत जगह वर्णन मिलता है। उसके बाद ही फिर आगे कथाएं आगे चलती चली जाती हैं। ये हर पुराणों के संग ये बात है कि किसी गुरु ने बोला, ऋषि ने बोला, मार्कंडेय ने, जिसे ऋषि ने बोला और अपने इनके शिष्यों ने जो भी उनसे सुन रहा है, वार्ता कर रहा है, तो उस दौरान ही पुराण का पूरा चित्रण किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण अपने आप एक महत्वपूर्ण धर्म शास्त्र है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का वर्णन इसमें मिलता है। संक्षिप्त बात करूँ तो उसमें खगोल शास्त्र, भूगोल, आपका जो भी विष्णु पुराण में मैंने आपको बताया था, लेकिन इसमें और विस्तार से उसके विषय में वर्णन है, यहाँ तक कि धनुष, बाण विद्या, वेदों की कई बातें इसमें कही गई हैं। संक्षिप्त बातें मैं आपको बताता जाता हूँ। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो 17,000 श्लोकों में जो डिवाइड किया गया है, इसके तीन भागों में ज़्यादातर हमको ये पुराण मिलता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इसको पूर्व खंड, इसके मतलब प्रथम भाग, तृतीय भाग और तृतीय भाग से हम डिवाइड कर सकते हैं, जो प्रकाशन नहीं ऑलरेडी छाप रखी हैं जितने विष्णु धर्मोत्तर पुराण आपको मिलेंगे। अब इसमें भी क्या है, पूर्व भाग है, उत्तर भाग है, इसमें भी दो तरह से डिवाइड किया, पूर्वाध और उत्तरार्ध। तो वो तो आप जब पढ़ेंगे इसको तब समझ में आएगी अब चीज़ें कि कैसे क्या है। पूर्व भाग तो थोड़ा छोटा है, उत्तर भाग जो उसका है, जो उत्तरार्ध है वो काफ़ी बड़ा, और फिर उसके बाद पूरे तीन खंड उससे लगे हुए हैं। ये प्रथम खंड में 269 अध्याय हैं यानी 269, द्वितीय खंड में, द्वितीय खंड में 183 अध्याय यानी, तृतीय खंड में इसके जो है 355 अध्याय यानी 355। तो ये इन अध्यायों के इर्द गिर्द पूरी विष्णु धर्मोत्तर पुराण रची गई है। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि वर्णन इसमें क्या क्या मिलता है हमको। प्रथम खंड की बात किया तो प्रथम खंड में स्वत महाद्वीपों का, खगोल शास्त्रों का वर्णन और आपके लोकों का वर्णन, तीनों लोक के कौन कौन से लोग हैं, भुवन लोक वगैरह, इनके विषय में बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। शंकर गीता का वर्णन मिलता है, भगवान परशुराम जी के विषय में
पूरे विस्तार से इसमें वर्णन दिया गया है और वराह अवतार के विषय में बताया गया है कैसे वराह अवतार का जन्म हुआ, जो लगभग आपको सही लगभग सही पुराणों में मिल जाता है। वराह पुराण में तो विस्तार से वर्णन है, पृथ्वी माता का वराह का संवाद उसमें वर्णन मिलता है। तो एक उत्तर रामायण की कथा जो कि भरत और लवणासुर की जो युद्ध हुआ है उसके विषय में प्रथम खंड में वर्णन मिलता है। ऐसे तो वर्णन बहुत सारे मिलते हैं, जो अगर कथाओं को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पुरुरवा उर्वशी के संबंध के विषय में यहाँ पर बहुत सारी बातें इसमें पुराण में बोली गई हैं, बताई गई हैं, तो वो वर्णन बहुत विशेष रूप से मिलता है। नर नारायण का वर्णन इसमें मिलता है। ये प्रथम खंड की बात कर रहा हूँ। अब इसके द्वितीय खंड में आते हैं। द्वितीय खंड में द्वितीय इसमें सबसे ज़्यादा आयुर्वेद का वर्णन अच्छे से मिलता है। हस्त आयुर्वेद, गज आयुर्वेद, ऐसे बहुत सारे वर्णन मिलते हैं आपको। ज्योतिष शास्त्र इसमें बहुत मिलेगा आपको। आपको धनुर्विद्या कैसे सीखनी चाहिए, क्या धनुर्विद्या के क्या क्या उपयोग है उसके विषय में वर्णन मिलता है। पुष्कर और परशुराम जी के संवाद के विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। सत्यवान और सावित्री के संवाद, यमराज संवाद, और इसके बाद आपका इसमें आपकी स्त्री चिकित्सा मैंने कुंडला के चिकित्सा शास्त्र का इसमें बहुत अच्छे से वर्णन मिलता है। बाकी हर जैसे आपको वेद में, जैसे आप ऋग्वेद जाएंगे तो ऋग्वेद की कुछ कथाओं, कुछ जो भी इनकी साइंटिफिक चीज़ें हैं उसके विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। और चिकित्सा शास्त्र तो विशेष रूप से है ही। कई तरह के अपशकुनों का वर्णन भी इस पुराण के अंतर्गत हमको द्वितीय भाग में मिलता है। तो वो तो बहुत बड़ा है, अपन इसके इंडेक्स को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ बढ़ना, आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। तृतीय खंड में आएंगे। तृतीय खंड में आपको नृत्य जैसे संबंधित कई नाट्य कलाएं हैं, नाटक किस तरह के होते हैं, नृत्य किस तरह के होते हैं, इन चीज़ों के विषय में वर्णन मिलता है। आपके धर्म शास्त्रों के बारे में वर्णन मिलता है। मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, मंदिर कैसे निर्माण किया जाता है, गीत निर्माण कैसे होते हैं, यानी कि सॉन्ग्स जो बनते हैं जो आज के हम उपयोग कर रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, बहुत साइंटिफिक तरीके से इसमें दिया हुआ है। मुझे तो पूरी तरह से ये किताब एक तरह से एक ऐसा लगता है कि बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से लिखी गई है। इस किताब को पढ़ के उसको अमल करना, उसको दिमाग लगाना कि देखिए आज जो हम ये उपयोग कर रहे हैं वो हज़ारों साल पहले ही वो चीज़ लिखी जा चुकी है। तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसमें दिया हुआ है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है। मैंने इसके पूरे इंडेक्स पढ़ा, इसके पूरे अंदर कई कथाएँ पढ़ी, तो वास्तव में वो सोचने और समझने और मतलब देखने लायक हैं और पढ़ने लायक हैं। पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। और चौखंबा वाले और जो भी प्रकाशन इसको निकाल रहे हैं, तो वास्तव में उन लोगों ने बहुत मेहनत और बहुत गहन अध्ययन के आधार पर इस बुक को निकाला है, पब्लिश किया है। तो वास्तव में उनकी बात को रखना चाहिए और उस पुराण को हमको धर्मोत्तर पुराण को पढ़ना चाहिए। तीन खंडों में है ये पुराण। और इसके अंदर हंस गीता का वर्णन भी मिलता है। हंस गीता का वर्णन आपने मैंने आपको गीता का एक चैप्टर पढ़ाया था, जो गीता प्रेस ने जो किताब 25 गीताओं संग्रह निकाला था उसमें हंस गीता भी आती है, पर उसमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण का नाम नहीं आता था, उसमें भागवत महापुराण और महाभारत का नाम आता है। तो लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद हंस गीता यहाँ से भी निकाली गई है, तो इसका वर्णन यहाँ मिलता है, तो ये अलग मुझे मिला। सारे लोगों का वर्णन, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने वेदों की उत्पत्ति की है, वेद जो उनके बुक से बोले गए हैं उसका वर्णन दीप धर्मोत्तर पुराण के रेफरेंस मिलते हैं। इसके अलावा गाय के बारे में, बकरी, हाथी, स्त्री, हर व्यक्ति के विषय में, मतलब ऐसा है कि डिफाइन करके कि कौन सा व्यक्ति कब शुद्ध होता है कब, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ वर्णन मिलता है बहुत साइंटिफिकली तरीके से, कि गाय के गुण क्या हैं, आपके कुत्ते के गुण क्या हैं, बिल्ली के गुण क्या हैं, और कब वो शुद्ध रहते हैं कब वो अशुद्ध रहते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें को विषय में यहाँ पे वर्णन मिलता है। उनके मूत्रों के विषय में वर्णन मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद में भी अच्छे तरह से हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। बाकी इसमें प्रकृति पुरुष के विषय में भी बहुत वर्णन मिलता है। बाकी आप जिसमें ये कहें कि भगवान विष्णु की बहुत सारी कथाओं का वर्णन मिले, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी कथाएँ तो नहीं मिलती। ज़्यादातर इसमें भगवान कृष्ण के विषय में, भगवान परशुराम जी के विषय में, और भगवान विष्णु जी के और शिव जी के आपस के संवाद के विषय में, उनके धनुष के विषय में बहुत ज़्यादा इसमें जोर दिया गया है, ज़्यादा बातें बताई गई हैं। बहुत सारी कथाएं इसमें भगवान विष्णु की नहीं मिलती हैं, और भगवान विष्णु के विषय में सिर्फ उनके जो वैष्णव चरित्र हैं उसके विषय में यहाँ वर्णन मिलता है, और शैव और वैष्णव दोनों चरित्रों का वर्णन भी यहाँ अच्छी तरह से मिलता है। तो ये इस पुराण का सबसे बड़ा वो है, जो बेसिक रिव्यू है वो ये है। दोस्तों अब जिस मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, तो वो हम आपको बताते हैं। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण मेरे पास जो है, एक तो ये है
विष्णु देवोत्तर पुराण 3 खंडों में ये अवेलेबल है। ये इसके जो टीकाकार हैं शिव प्रसाद द्विवेदी जी हैं, देख सकते हैं शिव प्रसाद द्विवेदी जी। ये जिसका जो प्रकाशन है जो निकाला गया है चौखंबा सुबार्थी प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित हुई है, चौखंबा पब्लिकेशन हाउस ने इसको पब्लिश किया है। तो देख सकते हैं आप विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उनकी मेहनत इसमें दिखती है। प्रिंटिंग वाइज देखा जाए तो प्रिंटिंग वाइज बहुत अच्छी किताब है ये, प्रिंटिंग आप देख सकते हैं इसकी, ये देखिए चौखंबा की प्रिंटिंग अच्छी रहती है। कॉस्टिंग वाइज देखी जाए तो कॉस्टिंग इसकी 7,500 के आसपास इसमें शो हो रही है, बाकी आपको जो भी डिस्काउंट वगैरह मिल जाए वो एक अलग है, तो मार्केट में अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये तो टोटल 3 खंडों में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं ये 3 खंडों की पूरी मेरे पास मौजूद है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। खंड का अपना एक अलग ही महत्व है जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन आपके पास है चौखंबा संस्कृत सीरीज़ की जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण आती है, ये भी 3 वॉल्यूम में आती है। इसके जो लेखक हैं जो जिन्होंने इसको टीकाकार हैं जो वो हैं कपिल देव नारायण जी, श्री कपिल देव नारायण जी, तो उनके द्वारा रची गई है, तो आप वो भी बुक्स ले सकते हैं। ज़्यादा कॉस्टिंग उसकी भी नहीं है, आपको अवेलेबल हो जाएगी, आपको आसानी से मिल जाएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। वो भी अच्छी किताब है, उसको भी मैंने देखा था तो वो काफ़ी हद तक लगभग चौखंबा की दूसरी किताब और वो दोनों लगभग अच्छी किताबें हैं, दोनों में से आप ले सकते हैं। और उसकी भाषा थोड़ी सी आपको क्लिष्ट लगेगी, इसकी भाषा थोड़ी सी जो शिव प्रसाद द्विवेदी की आपको अच्छी लगेगी, पढ़ने में आपको थोड़ा सही लगेगा, क्योंकि इस पर पब्लिशर ने कुछ अलग काम किया हुआ है। इसके अलावा अगर कोई इंग्लिश में पढ़ना चाहता है, इसके अलावा इंग्लिश में प्रियबला शाह की बुक आती है जो प्रियबला पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड प्रकाशन करता है, तो वो इंग्लिश में अवेलेबल है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, वो भी 3 वॉल्यूम में ही है और वो भी आपको आसानी से मिल जाएगी। कॉस्टिंग वाइज थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, बाकी अच्छी किताब है। जो इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं उन्हीं के लिए है, जो हिंदी में केवल ये 2 अवेलेबल है। और इसके अलावा गीता प्रेस में विष्णु धर्मोत्तर पुराण नहीं निकाला गया, मैंने खूब सर्च किया, खूब मिला, तो विष्णु पुराण के बाद उन्होंने कोई पब्लिकेशन इस विष्णु धर्मोत्तर पुराण को नहीं निकाला, पर गीता प्रेस से ये थोड़ी सी शिकायत रहेगी कि क्यों नहीं निकाला गया, निकालना चाहिए था। इतने बड़े पब्लिकेशन चौखंबा और कई पब्लिकेशन इसको निकाल रहे हैं और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पुराणों में से एक है ये, क्योंकि इसकी जो मैंने पढ़ा और एक साइंटिफिकली कितनी बहुत सटीक बातें इसमें दी हुई हैं, तो क्यों इसको आगे प्रमोट नहीं किया गया, तो ये छोटी शिकायत है। अगर गीता प्रेस वाले समझें और इसको अगर निकाल सकें और कम बजट में अगर इसको पब्लिश कर सकें तो कितना ज़्यादा फ़ायदा पब्लिक को होगा ये वो जान सकते हैं। और स्वयं वैष्णव संप्रदाय को सपोर्ट करने वाले गीता प्रेस, जो वैष्णव संप्रदाय की काफ़ी किताबें उन्होंने निकाली हैं, तो इसको क्यों नहीं प्रकाशित किया, गीता प्रेस वालों से सवाल है। अगर निकाल पाए तो अच्छी बात है, नहीं निकाल पाए तो बाकी पब्लिशर्स उसको निकाल ही रहे हैं, तो आप लोग पढ़िए इस किताबों को, अध्ययन कीजिए। और अगर ये आपने किताब पढ़ी है, पढ़ने के बाद अगर आपके कोई विचार हो, आपके कोई भी ज्ञान आप जो आपने अर्जित किया इस किताब से, वह कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे बता देना चाहे तो बता सकते हैं। आपके ज्ञान को भी मैं ग्रहण करने की क्षमता रखता हूँ, आपके लोगों के भी बातों का मैं सम्मान करता हूँ। इसके अलावा अगर विष्णु मेरा कोई भी वीडियो जल्दी ख़त्म नहीं होता, अगर मुझे इसमें से और कुछ नया ज्ञान मिला तो मैं आप तक जरूर पहुँचाऊँगा। तो अगले वीडियो के लिए, अगली बुक के लिए आप फिर से मेरे इस वीडियो पे बने रहिएगा और जो भी भविष्य से हो सकता है वो मैं आप लोगों के लिए करूँगा। तो अगली बार फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, नई बुक के साथ। धन्यवाद।